एंड वो एक गैदरिंग है बराबर, जिसे हम फेस्टिवल के रूप में एंजॉय करते हैं। जैसे फेस्टिवल में हम गैदरिंग करते हैं, वैसे ही ये एक मोटर फेस्टिवल है। कि लाइक हम बाइकर्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मीटअप करते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने बाइक्स के ऊपर। कुछ उन्होंने कुछ किया हो तो वो शेयर होता है। तो एट द एंड वो एक गैदरिंग है बराबर, जिसे हम फेस्टिवल के रूप में एंजॉय करते हैं। जैसे फेस्टिवल में हम गैदरिंग करते हैं, वैसे ही ये एक मोटर फेस्टिवल है। तो अलग अलग कंपनीज है जो, अलग अलग लोग हैं जो ये सब करते हैं। जैसे कि IBW है, वो एक अलग पूरी की पूरी ये है जो किसी भी ब्रांड को लेके काम नहीं करती, वो सबको लेके चलता है। उसी तरह से रॉयल एनफील्ड का राइडर मेनिया होता है, ठीक है। TVS का मोटो सोल होता है, BMW का भी होता है मीटअप, मोटर राइड डेज। ओके, तो उसी तरह से TVS का मोटो सोल है। लास्ट टाइम जब मोटोसोल हुआ था 2019 में, उस वक्त, और जैसे कि हम जानते हैं कि हम AOG में सिर्फ अपाचेस को इंक्लूड करते हैं, बट इस बार सब इन लोगों ने ओपन फॉर ऑल रखा है कि लाइक जो जिसे आना चाहे वो आ सकता है, जैसे आना चाहे वो आ सकता है, जिस बाइक पे या जिस कम्युनिटी ये इससे आना चाहे वो आ सकता है। समझ रहे हो ना, इट्स ओपन फॉर ऑल। वहाँ पे एक्टिविटीज होगी। मैं पहले बता देता हूँ कि एंट्रेंस फी किस तरह से होती है। एंट्रेंस फी इंडिविजुअल के लिए 1700 है अर्ली बर्ड, जो कि कुछ समय में चेंज हो जाएगा और वो उसकी प्राइसेस बढ़ जाने वाला है। और ग्रुप के लिए है 2 या 2 से ज़्यादा लोग, उनके लिए है 1500 पर हेड, ठीक है। तो ये है एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी में हमें मिलता क्या है, मैं डिफाइन करना चाहूँगा दूसरे जो ये फेस्ट होते हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि IBW है, IBW में क्या बोलते हैं कि जिसने अर्ली बर्ड में ये लिया होता है रजिस्ट्रेशन, सिर्फ उन्हें ही गुडीज़ मिलती है। गुडीज़ लाइक टी शर्ट, स्टिकर्स, की चेन, वो सब चीज़ें जो होती है वो सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया होता है। यहाँ पे स्पॉट रजिस्टर्स को भी सब मिलने वाला है। साइज की गारंटी नहीं देंगे, बट ये सबको सब कुछ मिलेगा। ये हमारा मेन ये है डिफरेंस, पहला डिफरेंस, सॉरी मेन तो मैं सबसे दूसरी बार में आता हूँ। दूसरी चीज़ होती है वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटीज़ लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़, हम कितने फिजिकली फिट है उसके रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, हमारे बाइकिंग के रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होंगे। जैसे स्लो बाइकिंग भी होगा, हर्डल्स होंगे, फास्ट बाइकिंग होगा, डर्ट रेस होगा, ये सब चीज़ें होगी, प्लस स्टंट शो होगा। स्टंट शो में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसके अलावा जितने भी ये सारे एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या सीन है, वाह क्या सीन है, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द एंट्रेंस फी। हमने जो एंट्रेंस फी भरी है उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। हमें गुडीज मिल रही है, एंट्रेंस फी मिल रही है, उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, हमें नाइट में ये मिल रहा है, कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं दोनों नाइट। ये एंट्रेंस फी 2 दिन के लिए, थर्ड एंड फोर्थ दोनों दिन कॉन्सर्ट्स होंगे रात को, सारा इवेंट खत्म होने जाने के बाद, और वहाँ पे जो कॉन्सर्ट होंगे वो कॉन्सर्ट हम अटेंड कर सकते हैं। और कोई डाउट, यहाँ से जाना कैसे रहेगा? ओके, फॉर AOG सूरत, अदर ग्रुप्स के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है सब लोग इंडिविजुअली जा रहे हैं। दे आर नॉट लाइक वो ग्रुप की तरह राइड नहीं करने वाले, बट नहीं, हम सूरत एक ग्रुप की तरह रह रहे हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं तो एक साथ ही जाएंगे। हाँ, अगर कोई स्लो राइडर है, जल्दी निकलना चाहता है, जा सकता है।
अगर कोई फास्ट राइडर है, बोल रहा है कि मुझे अगर किसी का प्लान डिफर कर रहा है हमसे, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो अलग से जा सकता है, बट नहीं, हम जा रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं। सूरत से निकलेंगे, गोवा में हम लोगों ने स्टे का ऑप्शन भी, मैं सब कुछ मैनेजमेंट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने एंड कर सकता हूँ उतना करूँगा सबके लिए। रहना हो गया अरेंजमेंट, फ्यूल का एक्सपेंस जो मैनेज करना रहेगा कि क्या बजट बनाना है, कहाँ पे हम स्टॉप ले सकते हैं, पूरा आइटिनरी मैं प्लान करने वाला हूँ। तो हाँ, हम साथ में जाना चाहे तो जा सकते हैं। जैसे हमारे पास 310 भी और 160 भी है, तो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। तो हम स्टॉप्स रखेंगे कि भाई हम यहाँ पे मीटअप करेंगे, जो फास्ट राइड कर रहे हैं वो फास्ट जा सकते हैं, जो स्लो कर रहे हैं वो हम उनको कैचअप वहाँ पे कर सके। मतलब कंप्लीट आइटिनरी मैं प्लान करने वाला हूँ उस चीज़ को लेके। और कोई क्वेश्चन? इसकी टाइमिंग्स क्या रहेगी? सवेरे से मतलब इवेंट चालू होगा कि पूरा दिन इवेंट रहेगा? फुल डे, पूरा दिन इवेंट रहेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।